चलो हम चर्चे करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सल जाज वन मोर टाइम। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज। एज यू सी फ्रेंड्स, आई एम एट पालमपुर मार्केट एंड आई एम हेयर फॉर शॉपिंग। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए पालमपुर बाज़ार आई हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड वी आर रियली इन्जॉइंग इट। आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है करवा चौथ की शॉपिंग करने का। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम एट नाग जनरल स्टोर एंड यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह की बैंगल्स हैं, कांच की बैंगल्स हैं एंड गोल्ड प्लेटेड मेटल बैंगल्स। बस इन्हीं में से ही एक मैं पसंद करने वाली हूँ। तो इसके साथ ही मेरी नज़र थाली सेट पे पड़ती है जो कि हैंड क्राफ्टेड है विद गोटा एंड रेड कलर। तो मुझे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। दिस इज़ अ कॉम्बो ऑफ थ्री आइटम्स। एक सेट है जिसमें थाली, छलनी एंड लोटा है, तो मैंने ये भी ख़रीद लिया। यहाँ पे तो बहुत डिफरेंट पैटर्न के थाली सेट थे बट मुझे एक बहुत प्यारा लगा तो मैंने वो ख़रीद लिया। मैं ये आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने कौन सा ख़रीदा। कहते हैं करवा चौथ में माना जाता है कि कांच की बैंगल्स बहुत बेनिफिशियल होती हैं और इन्हीं से पूजा संपन्न की जाती है, तो मैंने यहाँ पे कांच की बैंगल्स ले ली हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गारमेंट शोरूम। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टू गारमेंट शोरूम। तो इस बार कुछ एथनिक ट्राई करेंगे, करवा चौथ के लिए एथनिक ही ट्राई किया जाएगा। तो देखते हैं रेडीमेड वो भी एथनिक वियर मुझे कहाँ मिलता है। इन लेडीज़ को देख करके मेरा भी मन हो रहा है कि अब मैं भी मेहंदी लगवा ही लूँ, बट अभी मेरा कुछ भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो सारा काम फिनिश करके रात को 10 या 11 बजे मैं इनके पास मेहंदी लगवाने आऊँगी। तो वो भी मैंने क्लिपिंग्स की हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पालमपुर की कुछ क्लिपिंग्स दिखाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड प्लीज़ वॉच। फ्रेंड्स, अब मैं सुभाष चौक में पहुंची हूं और यहां पे मैं दिए लेने की ट्राई कर रही हूं क्योंकि मुझे 5 जो एक स्टैंड में होता है दिया वो नहीं मिल रहा है। वैसे तो आपने देखा ही होगा, मैंने अभी आपको क्लिप्स दिखाए हैं कुछ, करवा चौथ में पालमपुर में बहुत भीड़ होती थी बट ड्यू टू कोरोना वायरस यहाँ पे इस बार उतनी रौनक नहीं देखी जा रही है। After a big hustle and bustle, now we are reached Grand Plaza and I'm going to Manglani Garments, which is my all-time favorite for garments. Each type of garments, either it is ethnic or some casuals.
So friends, here I got a dress from my Karwa Chauth, and really the staff is very cooperative. Now it's time to say bye-bye to Palanpur city and hello to our sweet home. So friends, now I am showing you all my shopping items and after that मुझे खाना बनाना है तो वो भी मैं आज ही ready कर लूँगी ताकि कल को मुझे ज़्यादा burden ना हो. खाने में बोला जाता है कि माँ की दाल बहुत शुभ मानी जाती है तो मैंने माँ राजमा और कढ़ी जो कि मेरे फेवरेट हैं तो मैंने यही कुक किया है. After completing all my work, हम पालमपुर सिटी फिर आए और मैं मेहंदी लगवाने लग पड़ी. तो देखो कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना रहे हैं ये. तो आई एम वेरी ग्लैड कि हम लेट नाइट मेहंदी लगवाने आए हैं पालमपुर में. इसी के साथ मैं पार्ट वन को यहीं पे फिनिश करने जा रही हूँ. तो पार्ट टू भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो आप प्लीज़ उसका वेट करिए एंड जैसे ही मैं उसे अपलोड करूँगी आप प्लीज़ वॉच करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़. थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन. लव यू ऑल. स्टे सेफ.